आज के जो इस व्लॉग में स्पेशल चीज़ है वो यही है कि यहाँ पर आईफोन लैपटॉप्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पर मिलती है या नहीं मिलती है। अगर मिलती भी है तो उस पर कितना एक्स्ट्रा टैक्स आता है या क्या चीज़ें आती हैं। तो भाई लैपटॉप लेने के लिए दोस्त ना हो साथ तो लैपटॉप लेने का फायदा ही लेना कुछ नहीं है मुझे लगता है। बस अभी बुला लिया सारे आ जाओ मैंने लेना लैपटॉप। यार लैपटॉप लेने में मशवरा चाहिए। पहले गुर्दे ना निकलवा ले अपना। हाँ अगर मैंने ऐसे ही सोचा है इंस्टॉलमेंट पे अगर मिलता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो भाई पहले गुर्दे निकलवा ले। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जो है 15 तारीख है। अपना इंट्रोडक्शन वगैरह भी मैं करवा देता हूँ थोड़ा सा कि मैं जो हूँ यहाँ पर ड्रेसडन में सितंबर 2021 में आया था और मैं जो यहाँ पर डिग्री कर रहा हूँ वो मास्टर्स कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग में और मुझे अभी ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है। तो यहाँ पर जो है मैं ड्रेसडन में रह रहा हूँ। काफ़ी अच्छा वगैरह यहाँ पर पढ़ाई वगैरह और जॉब्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं सब कुछ। तो आज जो है मैं जा रहा हूँ लैपटॉप लेने। अब मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मैं लैपटॉप कौन सा लूँ। एक मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं मैकबुक लूँ और दूसरा कोई HP वगैरह का, इन दोनों में से कोई एक मैं लैपटॉप लूँ। लेकिन अभी तक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कौन सा बेहतर रहेगा मेरे लिए एडिटिंग वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह चलाने के लिए। तो अभी जाऊँगा मैं MediaMarkt जाऊँगा, वहाँ पर देखूँगा कि कौन सा मेरे लिए सूटेबल है, तो वहाँ पर फिर मैं फ़ाइनल डिसीजन लूँगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट एक साल हो गया ड्रेसडन में और मैं मास्टर्स एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पाकिस्तान से यहाँ पर आया हूँ। और अभी सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 20 जुलाई से स्टार्ट होने हैं। तो एग्ज़ाम्स के साथ साथ मैंने अभी सेकंड सेमेस्टर में जो है लैंग्वेज शुरू कर ली थी क्योंकि यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज जो है वो बहुत कंपल्सरी है सीखनी, उसके बगैर आपको यहाँ पर कोई फील्ड रिलेटेड जॉब्स नहीं मिलेंगी। तो अभी मुझे तकरीबन 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं मैं जर्मन लैंग्वेज A1 कोर्स कर रहा हूँ। A1 का पासिंग पेपर जो है वो मेरा 28 जुलाई को है। तो अभी मैं वहीं से एक क्लास लेकर आ रहा हूँ और क्लास वगैरह काफ़ी इंटेंसिव कोर्स चल रहा है। 3 घंटे रोज़ क्लास होती है और हफ्ते में 5 दिन जाता हूँ मैं। तो अभी ये जो मैं कोर्स कर रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है मुझे और आप लोगों के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ पर आपकी जो भी स्टेट होती है वो कुछ इंस्टीट्यूट्स को राइट्स देती है कि स्टूडेंट के लिए फ्री कोर्स होता है। तो वो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा ढूंढने पड़ते हैं वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो फ्री जर्मन लैंग्वेज सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को ख़ासतौर पर। तो यहाँ पर जो है मैं रेस्टन में रह रहा हूँ तो यहाँ पर यहाँ की जो स्टेट है वो है ज़ाक्सनी। तो वहाँ पर मुझे पता लगा कि फ्री हमें B1 तक जर्मन लैंग्वेज कोर्स करवा रहे हैं। तो मैंने जल्दी से ही A1 में एनरोल कर लिया और अभी मेरी जो है A1 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। और इसी तरीके से आप भी अपने स्टेट में अपने सिटी में देखें, कोई ना कोई फ्री कोर्स आपको लाजमी मिलेगा। तो जर्मन लैंग्वेज तो चलती रहेगी। तो दूसरी बात यह है कि मेरा जो लैपटॉप है जो मैं तकरीबन 3 से 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ वो 10 दिन पहले वो ख़राब हो गया है और अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हार्ड ड्राइव वगैरह उसकी बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो आज मुझे प्रेस्टन में जो सेंट्रम गैलरी यानी कि यहाँ का शॉपिंग मॉल जो है यहाँ पर एक MediaMarkt शॉप है जो कि बड़े अच्छे लैपटॉप वगैरह देती है और इंस्टॉलमेंट्स पर भी मिलते हैं। तो आज मैं यहाँ पर ख़ास कर आया हूँ लैपटॉप लेने। तो अभी मेरी जो कोशिश है कि यहाँ पर MediaMarkt में के इंस्टॉलमेंट्स पर देते हैं, अगर वो इंस्टॉलमेंट्स पर मुझे मिल गया लैपटॉप तो मैं वो ले लूँगा। अगर वो ना मिला तो यकीनन कोई लो कॉस्ट में अच्छा सा कोई और
विंडोज़ पे लैपटॉप लेना पड़ेगा क्या है, तो अभी देखते हैं। पर मुदस्सिर भाई और उस्मान का वेट करो, जैसे ही वो आते हैं तो जाएंगे फिर हम अंदर और फिर देखेंगे लैपटॉप का क्या सीन है। तो हाँ भाई, लैपटॉप लेने के लिए मेरे साथ तीन तीन शहजादे आ गए हैं, मुदस्सिर भाई भी आ गए हैं, उस्मान भी आ गया है और एज ऑलवेज भालू 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 तो फिर भालू है ना, भालू और लैपटॉप नहीं नहीं लैपटॉप यार ऐसे ना गया, आएगा ऐसे ना गया भाई, लैपटॉप ले लैपटॉप लेने के लिए अपने अपने गुर्दे निकलवा लेते हैं, ये लैपटॉप ले रहा है। तो देखते हैं भाई कि अगर इंस्टॉलमेंट पे मिल गया तो वेल एंड गुड है, ले लेंगे अभी, अगर ना मिला तो भाई फिर कोई सस्ता सा देखेंगे, कोई एच पी का, कोई लिनोवो का, कोई वो फिर सस्ता सा पकड़ेंगे। तो अभी चलते हैं अंदर सेंट्रल गैलरी। अभी बिल्कुल अंदर मीडिया मार्ट की शॉप के अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पर ढेर पड़ा हुआ लैपटॉप्स का और कुछ समझ नहीं आ रही कि एप्पल मैकबुक अगर ना लें तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई, तो यहाँ से कौन सा पसंद करें, ये वाला ले लो, एक से बढ़ के एक है और कीमतें भी एक से बढ़ कर एक है। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, अगर मैं बात करूँ एप्पल में तो एप्पल में भी यहाँ पर जो पड़ा हुआ है मैकबुक प्रो M1 पड़ा हुआ है, एयर M1 पड़ा हुआ है और इसके अलावा M2 भी पड़ा हुआ है, तो ये दो तीन पड़े हुए हैं iOS वाले, बाकी सारे यहाँ पर विंडोज वाले पड़े हुए हैं। तो आज हम बैग ले लेते हैं तो बाकी जो लैपटॉप है वो फिर बाद में ले लेंगे। ये आई मैक पड़ा हुआ है और इसकी जो यहाँ पर प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1700 यूरो के है, मैकबुक एयर है और इसकी जो प्राइस है यहाँ पर वो है ऑलमोस्ट 1130। तो उसके साथ से यहाँ पे मैकबुक प्रो भी पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा महंगा है और इसकी जो प्राइस है वो है 1450 और साथ ही कोर पड़ा हुआ है मैकबुक प्रो। जो मुझे लैपटॉप लेना है वो मुझे ये वाला लेना है, क्योंकि ये जो है मेरे बजट के लिहाज से भी और यूज़ करने के लिहाज से भी बड़ा अच्छा है, तो अगर ये मुझे इंस्टॉलमेंट पे मिल गया तो मैं ले लूँगा, वरना मुझे इन विंडोज़ में से कोई लैपटॉप लो बजट में लेना पड़ेगा। उस्मान यहाँ पर चेक कर रहा है आईपैड, अब इसके भी आईपैड चेक करूँगा। तूने उसे, उसे गिफ्ट देना है क्या? गिफ्ट देना है तूने कभी? ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, या दोनों दे दे। दोनों दे दे, खैर एक मुझे नहीं, दो ले ले, एक मुझे दे दी एक उसको दे दी, मेरे लिए लैपटॉप गुर्दे बेचने पड़ेंगे, याद रखिए गुर्दे बेचने। ओहो चलो भाई इनके गुर्दे निकलवाते हैं, पहले हॉस्पिटल चलते हैं, इनके गुर्दे निकलवा के फिर आती हैं। तो हाँ भाई, बैड न्यूज़ यही है कि वही जो मैं सोच रहा था, जिस चीज़ का जिस बारे में डर था वही हुआ, कि ये जो है मुझे मैकबुक प्रो नहीं दे रहे इंस्टॉलमेंट्स पर। उसकी वजह यही है कि जो मेरे पास जो यहाँ पर रेजिडेंस परमिट है वो 2 साल के लिए है और मैं जो हूँ यहाँ पर एज ए स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट्स को इंस्टॉलमेंट्स पर इनके यहाँ पर वो इनके रूल्स वगैरह नहीं है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स पर लैपटॉप दिया जाए, और जो उसकी प्राइस है वो है 1400 कुछ यूरो का है, तो मेरे लिए बहुत वो एक्सपेंसिव है। तो अगर मैं वो ले लेता हूँ, इतने पैसे हैं मेरे पास अभी, लेकिन वो बजट से फिर मेरा आउट हो जाएगा। आगे डिसीजन हो गया है और मैं लेने जा रहा हूँ मैकबुक एयर, बिल्कुल भी नहीं, और इसमें अभी मैंने ये जो है ये लिनोवो का जो है लैपटॉप मैंने ऑर्डर कर लिया ऑनलाइन अमेज़ॉन पर, उसकी जो प्राइस है वो 600 यूरो है। इसकी जो स्पेक्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं और वैसे भी विंडोज़ है, तो मुझे सब ने मशवरा दिया कि विंडोज़ वाला लैपटॉप ले लो, ज़्यादा आसानी है यूज़ करने में भी। तो अभी मैंने इसको जो है डन कर दिया है और ये कल जो है लैपटॉप कल या परसों आ जाएगा मेरे घर पर। तो हाँ भाई, लैपटॉप का जो भी सीन पार्ट था वो हमने कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह लिनोवो का मैंने गेमिंग नोटबुक राइजन 5 जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, जो कि मुझे अमेज़ॉन से कल तक आ जाएगा। तो लैपटॉप की जो कहानी है वो यहीं पर ही ख़त्म हो गई है, और जो मैंने आपको बताया था जिस तरीके से कि लैंग्वेज स्कूल वगैरह किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लैंग्वेज कर सकते हो अप टू B1 लेवल तक, तो ज़रूर आप देखें अपने सिटी स्टेट वगैरह में और लैंग्वेज ज़रूर करें। और लैपटॉप वगैरह तो आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स पर नहीं मिल सकता,
इस व्लॉग बनाने का मकसद ये भी था कि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पर जर्मनी में इंस्टॉलमेंट पे जो रेजिडेंस परमिट जिनको मिला होता है, जो यहाँ पर परमानेंट सेटल्ड हुए होते हैं, उनके लिए सिर्फ वो ऑफ़र होती है। तो मुझे तो नहीं मिला, बहरहाल शायद कोई और तरीका भी हो, अगर आपको भी कोई तरीका पता हो तो वो भी काइंडली मुझे बता दें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आईफोन लेना हो या कोई और किसी ने लेना हो तो मैं उसको बता सकूँ। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गुड बाय। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, सब कुछ सब्सक्राइब। तो हाँ, अगर व्लॉग पसंद आए आपको थोड़ा सा भी तो लाइक करें, अगर ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।